हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवरात्र स्पेशल बहुत ही टेस्टी लौकी की खीर लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और 10 मिनट के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाती है। एकदम रबड़ी जैसे इसका टेस्ट आता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के लगभग घी। ये घर का बना हुआ शुद्ध घी है। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। ये मैंने एक 100 ग्राम की लौकी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। मोटे वाले साइड से ग्रेट करें, नहीं तो ये घुल जाएगी। इसको हम हल्का सा ही सौते करेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है हमें। ये खीर बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और व्रत के लिए एकदम परफेक्ट है। तो 2 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 kg के लगभग दूध ले लिया है। इतना ही इसके लिए दूध बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अब हम इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाने देंगे और इसे पका लेंगे कवर करके। 5 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बबल्स आ गए हैं, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। और अभी ये हल्की सी कच्ची है, हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, लेकिन इसे थोड़ा मैसी भी नहीं करना है। ये अभी थोड़ा कच्ची है तो इसे 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 10 मिनट के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हम कवर करके और पका लेते हैं 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और टेक्सचर भी देख सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डाल देंगे। आपको जितना मीठा कम या ज़्यादा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। शुगर को भी मेल्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है हमें। तो ये एकदम रबड़ी की तरह दिख रही है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने मनचाहे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिए हैं। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी हमारी लौकी की खीर तैयार है। तो 1 मिनट के लिए और कवर करके इसको पका लेते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची। तो यहाँ पर मैं इलायची को थोड़ा सा क्रश ही कर रही हूँ हाथों से। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इसके छिलके भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। तो इसकी एकदम परफेक्ट हो चुकी है तैयार। और बहुत ज़्यादा थिक हमें इसे नहीं बनाना है, नहीं तो फिर ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपने इसे फ्रिज में रख दिया तो ये और भी टेस्टी हो जाएगी। तो आप इसे बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो देखिए हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। ठंडा करके हम इसे रख लेंगे प्लेट में और भी ड्राई फ्रूट्स से हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी नवरात्र स्पेशल लौकी की खीर। आप इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल में आपको इस तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलती ही रहेंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।